मैं सुबह सुबह ही न्यू बोर्न पपी से मिलने जाता हूँ। देखो मोटू मोटू से है ना ये, देखो कितना हेल्दी है ये। अरे इसकी नोज पे मिट्टी लग रही है कितना क्यूट लग रहा है ये। और अरे ये वाला तो चूहे जैसा लग रहा है बिल्कुल। और इसको भी देखो, इसका फेस। अरे भैया, अरे ये कितना क्यूट सा है, पुली 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 देखो यहाँ ये बिल्कुल सेफ रहते हैं, छत भी है ऊपर। फिर घर आकर देखता हूँ, महाराज जी लेटे हुए हैं अपने सोफे पर। उठ जाओ महाराज जी, बाहर सेना इंतजार कर रही है आपका। बाहर जाकर देखता हूँ, सुबह सुबह चंदा मामा नजर आ रहे हैं देखो। और देखो प्लूटो की सेना कैसे बैठी है। थोड़ी देर में महाराज और उनकी सेना इधर कुछ देख रही होती है, तो देखता हूँ कुछ बच्चे उल्टे काम करके छुप रहे हैं। फिर मैं महारानी को जब अपने पास बुलाता हूँ बैठने को, तो गोल गोल घूमकर नीचे बैठ जाता है। ये सही है, आज दादी ने नहाकर अपनी छोटी सी छुट्टियाँ बांधी है। देखो शाम को जब मैं ब्लूटूथ और डेजी और प्लूटो को घुमाने ले जाता हूँ, तो आपको पता ही है कि अब हमारे साथ छोटा कालू भी घूमने जाता है। तभी एक ऑटो रिक्शे वाला बहुत तेजी से आता है और कालू के पैर पर ऑटो चढ़ा देता है। मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं इसको रोककर सही से समझा देता हूँ। देखो कैसे चल रहा है बेचारा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।